आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड के माध्यम से क्लास 8th में जो बच्चे स्टडी करते हैं और जो बच्चे NCERT की अंग्रेज़ी की बुक जो इट सो हैपेंड क्लास 8th की जो बुक है उसमें कुछ चैप्टर्स CBSE के द्वारा डिलीट किए गए हैं। सही सुना आपने, क्या किए गए हैं, उतने चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। राइट, अभी मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसकी स्टडी आपको नहीं करने है। अगर मैं बात करूँ तो जो पहला जो चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये आपको पढ़ने हैं। सिलरी नेटवर्क, ये भी आपको पढ़ने हैं। द सेल्फ इज यार्न, ये भी आपको पढ़ने हैं। द ट्रेजर विद इन, ये भी आपको पढ़ने हैं। प्रिंसेस सितंबर, ये भी आपको पढ़ने हैं। द फाइट, इसे भी आपको पढ़ने हैं। दी ओपन विंडो, ये आपको नहीं पढ़ने। क्या सुना आपने, सही सुना, दी ओपन विंडो नहीं पढ़ने। क्या सुना आपने, दी ओपन विंडो नहीं पढ़ने हैं आपको। जरेबीज, ये पढ़ने हैं। द कॉमेट फर्स्ट, ये आपको पढ़ने हैं। दूसरे की बात करूं कि द कॉमेट सेकेंड, क्या सुना आपने, द कॉमेट सेकेंड, इसकी भी आपको स्टडी नहीं करने। लेकिन हाँ, एक चैप्टर CBSE ने इसमें जोड़ने का काम करा है, वो कौन चैप्टर है पता है आपको, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या सुना आपने, एजुकेशन जो कि एजुकेशन बेस्ड ऑन है, क्या सुना आप चैप्टर का नाम, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। राइट, ये आपको जोड़ा गया है। फिर से आप दोबारा सुन लें कौन कौन से इसमें चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और कौन इसमें एक जोड़ा गया है। मैं बात करूँ कि दी ओपन विंडो, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। द कमिट फर्स्ट एंड द कमिट सेकेंड, ये भी नहीं पढ़ने हैं। लेकिन हाँ, एक चैप्टर इसको इसमें जोड़ दिया गया है जिसे आपको अवश्य ही पढ़ने हैं, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। राइट, और ये सिलेबस मैंने किसको किसके बारे में मैं आपको बताया, क्लास 8th की जो बुक है इट्स सो हैपेंड। सही सुना आपने, क्लास 8th की जो इट्स सो हैपेंड की बुक है इंग्लिश की, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और इसे जितना हो सके उतना बच्चे के बीच इसे शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।